जसदेव पुरुष प्राण यदि भगवान के किसी तरफ से यदि मन को लगा दिया जाए, काम लगे कृष्ण भजे हय कृष्ण रसे, काम लगी त्यजे, तो कामना वासना लेकर के ही भगवान की भजन करे, सुमन हो अथवा दुर्मन हो, इसलिए करें महाप्रभु के चरण में किसी प्रकार मन को अर्पित करने पर कुमना पुरुष भी सुमनत्व लाभ करे, लाभ करता है, प्राप्त कर लेते हैं। इसलिए वह चैतन्य महाप्रभु को मैं भजन करता हूँ। जय जय श्री चैतन्य, जय नित्यानंद, जय अद्वैत चंद्र, जय गौर भक्त वृंद। पौगंड लीलार सूत्र करिए गणन, पौगंड वयसे प्रभुर मुखाध्ययन। पौगंड लीला चैतन्य कृष्ण स्मृति विश्रित, विद्यारम्भ मुखं पाणिग्रह भंग मनोहर। कृष्ण चैतन्य की विद्यारम्भ से पाणिग्रहण माने विवाह पर्यंत सुंदर मनोहर पौगंड लीला विस्तृत हुए। गदाधर पंडित स्थाने करे न व्याकरण, पढ़े न व्याकरण, श्रवण मात्रे कंठे कैल सूत्र वृत्ति गण। महाप्रभु गंगादास पंडित के निकट व्याकरण अध्ययन करने रहे। गंगादास पंडित स्थाने पढ़े न व्याकरण, श्रवण मात्रे कंठे कैल सूत्र वृत्ति गण, सुनने ही साथ ही साथ श्रवण करने के साथ ही साथ महाप्रभु याद कर लेते थे। हम लोग सुनने के साथ साथ भूल जाते हैं और महाप्रभु श्रवण करने के साथ ही साथ याद कर लेते। अल्पकाले कोइला, अल्पकाले होइला पुंजी टिकाते प्रवीण, चित्रकाले चिरकाली पड़ुआ जिने होइया होइया नवीन। अध्ययन लीला प्रभुर दास वृंदावन, अध्ययन लीला प्रभुर दास वृंदावन, चैतन्य मंगली कैल विस्तृत विवरण। अल्प काल में चैतन्य महाप्रभु समस्त प्रकार टीका टिप्पणी माने कमेंट्री आदि जितने भी हैं वो सब अध्ययन कर लिया और अति सत्तर ही समस्त शास्त्र में प्रवीण माने एक्सपर्ट हो गए, दक्ष हो गए और बड़े बड़े पंडित को भी जीतने लगे। अध्ययन लीला प्रभुर दास, अध्ययन लीला लीला प्रभुर दास वृंदावन चैतन्य मंगल के लिए विस्तार। इस प्रकार महाप्रभु की ये अध्ययन लीला जो है, वृंदावन दास ठाकुर चैतन्य मंगल यानी चैतन्य भागवत में विस्तृत रूप में वर्णन किया। चैतन्य मंगल विस्तारित वर्णन, एक दिन मातार पदे कोरिया प्रणाम, प्रभु कहे माता मोरे देह एक दान। माता बोले ताई दिव जा तुम्हें मांगिबे, प्रभु कहे एकादशे एकादशीते अन्न ना खाइबे। एक दिन चैतन्य महाप्रभु माँ सुजिदा सुजी माता के प्रणाम करके बोले माँ मुझे एक वर दो। क्या माँ सुजी देवी कल तुम जैसे कहोगे ऐसे में मान, कल माँ तुम एकादशी के दिन अन्न मत खाइए। सुजी कहे ना खाइब भाई कहिला, सही एकादशी करते लागिला। उसे से सची माता एकादशी कर, इसके मतलब इसके आगे एकादशी सचित माता एकादशी नहीं करती थी, इसमें लिखा ना सही है एक सही हुई थे एकादशी करते लगिला। सची कहे ना खाइब भले ही कहिला, सही होते एकादशी करते लगिला। क्या विचार है?
তবে মিশ্র বিশ্বরূপে দেখিয়া যৌবন কন্যা মাগি বিবাহ দিতে কইল মন বিশ্বরূপ শুনি ঘর ছাড়ি পলা ইল সন্ন্যাস করিয়া তীর্থ করিবারে গেল আর ইধার বিশ্বরূপ কে যৌবন দেখ করকে উনকে মাতা পিতা শচী দেবী ও জগন্নাথ মিশ্র বিবাহকে लिए कन्ना आदि जो है खोजने लगे कैसे कन्ना मिल जाए उपयुक्त जो है कन्ना कहाँ मिले ये खोजने लगे। इस कथा सुन करके विश्वरूप ने किया कि घर छोड़ करके सन्यास ले लिया। जिसके विश्वरूप सुनी घर छड़ी पला आई लो सन्यास करिया तीर्थ करित करिवारी गेल सुनी सोची मिश्रे दुखी होइल मन তবে প্রভু মাতা পিতার কইলা সাধন যব বিশ্বরূপ সন্ন্যাস লিয়া অর্থাৎ ঘর ছোড় করকে চলে গে তব সচিয় জগন্নাথ মিশ্র বহুত দুঃখিত হয়ে উস সময় চৈতন্য মহাপ্রভু উনকে সান্ত্বনা দেনে লাগে। কে সান্ত্বনা দিলে? ভালো হইল বিশ্বরূপ করিল সন্ন্যাস পিতৃকুল মাতৃকুল দুই উদ্ধারিল। তাহলে সন্ন্যাস লিয়া তো আচ্ছাই হ্যা বতায় পিতৃকুল আর মাতৃকুল কো উদ্ধার হয়ে যেত। বলে সন্ন্যাস গ্রহণ করলে সে জীবকে মাতৃকুল আর পিতৃকুল উদ্ধার হয়ে যেত। হ্যাঁ সন্ন্যাস লেনা চাই কি নেই চাই? হ্যাঁ আপ লাল কাপড় তো আবি তক নেই লিয়া। अरे विजय कहाँ गए? अरे कहाँ दौड़ रहे हो? सब हरि कथा सुनो। जो हरि कथा उसके रुचि नहीं है उल्टा सीधा क्यों? इसलिए ही तो शादी करने के लिए तड़प रहे हो। शादी फाड़ी मत करो, क्यों बर्बादी करते हैं जीवन को? हैं एक जीवन ब्रह्मचारी अथवा सन्यासी करके रहो, एक जीवन कम से कम ब्रह्मचारी रहो। हैं यदि तुम्हें कुछ नहीं मिले अगले जीवन में जाकर के शादी करना, संसार में फंस जाना कोई बात नहीं है। जो लोग शादी किया पूछो है, कीड़ा बैगुन में कीड़ा लगने से जैसे होता ना उसके मुंह कैसे हो गया पूछा उसको। बैगुन में कीड़ा लग देखा ना, बैगुन में कीड़ा लगने से वो टेढ़ा हो जाता है और बिल्कुल कैसे वो माने सूख जाता है। हैं जितने लोग शादी किया कोई सुखी नहीं है, ऊपर से तो दिखाते हैं सुखी किंतु दुखी दुखी है। हैं क्यों भाई जाते क्यों? हैं क्यों दिल्ली का लड्डू खाना चाहते हो? इसलिए कहते हैं दिल्ली का लड्डू जो खाया वो पछताया और जो नहीं खाया वही पछताया। हैं जो खाया कहने भाई क्यों खाया, हाँ हाँ, और जो नहीं खाया बोले दिल्ली का लड्डू है क्या चीज? तात्पर्य क्या है? जो शादी नहीं किया सोचते शादी कैसे है, संसार सुख क्या है, स्त्री सुख क्या है, हैं? किंतु शादी के बाद तब कैसे बर्बादी होता है जीवन तब पता चलता है। चिंता इतने रहता है, हैं? तुम अंबरीश महाराज नहीं हो और श्रीवास ठाकुर नहीं, बद्ध जीव है। अंबरीश महाराज श्रीवास ठाकुर वे सब मुक्त महापुरुष थे, है उन लोग के लिए कुछ। तुम क्यों बर्बादी करते, जीवन का बर्बादी कर रहे, सोचो बार बार। हैं यहाँ पर भी कह रहे हैं कृष्णदास कविराज कह रहे हैं, संग महाप्रभु भी कह रहे हैं। देखो भालो हिल विश्वरूप करिल सन्नास पितृकुल मातृकुल दुई उद्धारिल। है ये विश्वरूप सन्नास ले तो वो अच्छा ही है। बोले सन्नास लेने से माताएं के कुल और পিতৃকুল দোনো উদ্ধার হয়ে যায়। হ্যাঁ আমি তো করিব তোমার দুহার সেবন শুনিয়া সন্তুষ্ট হইল পিতা মাতার মন। চৈতন্য মহাপ্রভু নিমাই কেন লাগে যে আপলো কেউ দুঃখিত হরে যে বিশ্বরূপ আপকে বেটা বিশ্বরূপ সন্ন্যাস লে দিয়ে দুঃখিত কেউ হয়? চিন্তা মত করো, মেহি যো হ্যাঁ আপলোকে সেবা করুগা। হ্যাঁ ইস কথা কো শুন করকে माता पिता जन शची देवी और जगन्नाथ मिश्र प्रसन्न हुए, ये संतुष्ट हैं।
एक दिन विद्ध तांबूल खाइया भूमिते पड़िल प्रभु अचेतन होया आस्ते वास्ते पिता माता मुखे दिल पानी सुस्त हिया कहे प्रभु अपूर्व कहिनी हिता होइते विश्वरूप मरे लइया गेला सन्नास कर तुमे आमारे कहिला आमी कही आमार अनाथ माता पिता आमी बालक सन्यासी किबा जानी कथा गृहस्थ होइवा करी पितृमातृ सेवन इहाते संतुष्ट होइबे लक्ष्मी नारायण तबे विश्वरूप इहा पठाइल मोरे माता के कहिल कोटि कोटि नमस्कार এই মত নানা লীলা করে গৌর হরি কি কারণ কি কারণে লীলা ইয়া বুঝতে না পারি একদিন নিমাই নৈবেদ্য কে যে ঠাকুরজিকে প্রসাদই যে হে তাম্বুল তাম্বুল মানে পান প্রসাদ গ্রহণ করলি আর করণে সে মহাপ্রভু কে শির মে চক্কর আ গিয়া और चक्र आग्रह गिर पड़े और मूर्छित हो गए और ऐसे देख करके सची माने के कि उनके मुंह और आँख पर पानी छिटका और धीरे धीरे महाप्रभु सुस्त है माने उनके ज्ञान आ गए तो उसके कहने लगे उस समय महाप्रभु माने निमाई कहने लगे ये विश्वरूप मुरे कहाँ लेकर के गए और मुझे कह के कहा कि तुम सन्यास ग्रहण करो और मैंने कहा नहीं नहीं मेरे माता पिता को मैं सेवा करूँ और तो कोई है ही नहीं है सची माँ के दो ही बेटा था एक विश्वरूप विश्वरूप सन्यास ले लिया और मैं छोटा हूँ इसलिए मैं नहीं सन्यास नहीं लूँ आमी बालक सन्यास की वा जानी कथा गृहस्थ ही वा करी पितृमातृ सेवा আমি গৃহস্থ মাই গৃহস্থ হোকর কে মাতা পিতাকে সেবা করুন ইসে লক্ষ্মী নারায়ণ প্রসন্ন হয়ে মাতাকে কহিল কোটি নমস্কারে এই মত লীলা করে গৌর হরি এসে চৈতন্য মহাপ্রভু লীলা আদি করনে লাগে কেউ এ লীলা করনে লাগে কই নি জানতে এই কারণে লীলা করে বুঝতে না পারি কতদিন রহি মিশ্র গেলা পরলো মাতা পুত্র দুহার বাড়ি রহিদি শোক বন্ধু বান্ধবাসি দুহা প্রভু দিল পিতৃক্রিয়া বিধি মতে ঈশ্বর করিল এসে পশ্চাৎ কুছ দিন কো বাদ জগন্নাথ মিশ্র ভি পরলোক মে চলে গে মানে শরীর ছোড়লে উস সময় সচি মাতা আর বালক নিমাই ভি রোনে লাগে और इसके पश्चात चैतन्य महाप्रभु है लौकिक जो क्रिया आदि जो है पिता माता गुरुजन देहांत होने पर श्राद्ध आदि कर्म आदि जैसे लोग रीति थे रीति से करना पड़ता है वैसे प्रकार किया কতদিনে প্রভু চিত্তে করিল চিন্তন গৃহস্থ হইলাম এবি চারিবর্ণাশ্রম কতদিনে প্রভু চিত্তে করিল চিন্তন গৃহস্থ হইলাম এবি চাহি গৃহ ধর্ম গৃহিণী বিনা গৃহ ধর্ম না হয় শোভন এই চিন্তে বিবাহ করিতে হইল মন इसके पश्चात श्रीमन महाप्रभु मानी मानी चिंतन करने लगे गृहस्थ होकर के घर में रहे इसलिए किंतु कहा जाता है गृहिणी बिना गृह धर्म नहाय सवन ये तो चिंतित विवाह करित होइल मन ऐसे चिंता करके महाप्रभु विवाह करने के लिए इच्छा प्रकाश की शास्त्र में कहा गया केवल न गृहम गृहमत्ताहु गृहिणी गृह उच्यते ताहि सहितं सर्वान् पुरुषार्थन समुष्णुते केवल गृह में रहने से गृह नहीं कहता है गृहिणी के गृह
कहा जाता है, अर्थात गृहिणी के साथ समस्त पुरुषार्थ भोग करते हैं। स्मृति शास्त्र में ऐसे कहा गया, दैव एक दिन प्रभु पड़ियासिते बल्लभाचार्य कन्ना देखे गंगा पथे पूर्व सिद्ध भाव दुहार उदय करिला दैवे बनमाली घटक सचि स्थाने आईला सचिरंगीते संबंध करिल घटन लक्ष्मी के लक्ष्मी के विवाह करित कैल सचिर नंदन। एक दिन चैतन्य महाप्रभु कहीं जा रहे थे बा अध्ययन अध्यापना करके आ रहे थे, इतने समय रास्ते में बल्लभाचार्य जी की कन्या लक्ष्मी देवी के दिखा, देख करके महाप्रभु के हृदय में उनके प्रति एक भाव उत्पन्न है और पूर्व सिद्ध भाव अनुसार लक्ष्मी देवी भी चैतन्य महाप्रभु के प्रति आकृष्ट है। इसलिए कह रहे हैं बल्लभाचार्य जगन्ना देखे गंगा पथे पूर्व सिद्ध भाव दुहार उदय करिला दैवे बनमाली घटक सचि स्थाने आइला। बनमाली घटक के रूप में अर्थात मध्यस्थ के रूप में सचि माँ के निकट आकर के सारे बताया, सचि लिंगित संबंध घटिल घटन लक्ष्मी के विवाह कैल सचिर नंदन। इसी प्रकार सचि देवी सचि माता के आदेश से चैतन्य महाप्रभु लक्ष्मी देवी के विवाह किया। विस्तारिया करिलता वृंदावन दास यही तो पौगंड लीलार सूत्र प्रकाश पौगंड लीला बहुत प्रकार वृंदावन दासिया करीचे करिया चैन विस्तार। ये समस्त विवाह आदि की लीला जो है अर्थात चैतन्य महाप्रभु के लक्ष्मी देवी के साथ विवाह आदि की लीला वृंदावन दास ठाकुर चैतन्य भागवत ग्रंथ में वर्णन किया। यहाँ पर केवल मात्र एक दिग्दर्शन माने सामान्य रूप में सूत्र रूप में वर्णन हो रहा है। चैतन्य मंगल सर्वलोके ख्याति होइलो श्री रघुनाथ पदे जा रास चैतन्य चैतामृत कहे कृष्ण दास। यहाँ पर इस अध्याय को कृष्णदास कविराज गोस्वामी समाप्त कर रहे हैं और रूप रघुनाथ की चरण कमल की प्रार्थना कर रहे हैं। कृपा सुधा सरितजस्य विश्वाप विश्व आपनायतवंत्योपि नीचोगैव सदा भाति तं चैतन्य प्रभुं भजे। जिनकी कृपा रूपी अमृत से सदस्वती विश्व भी अप्लावित हो जाता है, यह तक भी नीच जन के भी उनके भी कृपा करते हैं, ऐसे चैतन्य महाप्रभु के मैं भजन करता हूँ। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद। यही तो कैसो रिला सूत्र अनुबंधन शिष्य गण पढ़ाईते करिल आरंभन सतसस शिष्य संगे सदा अध्यापन व्याख्या सुनी सर्वलोके चमकित मन सर्वशास्त्रे सर्वपंडित पाए पराजय विनय भंगित कारु दुख नहीं रय विविध उद्दत्त करी शिष्यगण संगे जानवीते जल केली करे नाना रंगे। चैतन्य महाप्रभु इसी प्रकार अपने विद्यार्थी को लेकर के कभी कभी गंगा में भी स्नान आदि करते थे और समस्त बड़े बड़े पंडितों के पछाड़ देते थे माने पराजित कर देते थे। चैतन्य महाप्रभु निबात नवद्वीप में बड़े बड़े पंडित के भी पछाड़ देते थे। इसी प्रकार चैतन्य महाप्रभु पांडित्य के
उदंडता प्रकाश करने लगे, संत भगवान है। इसलिए बड़े बड़े पंडित को क्या बातों बातों में पराजित करते थे। इसलिए बड़े बड़े पंडित लोग महाप्रभु के सम्मुख आने में डरते थे, क्यों? महाप्रभु के स्वभाव था, उनकी प्रश्न उठा करके फिर उनकी उत्तर देते थे, संग प्रश्न उठाते थे और पंडित लोग उत्तर दे नहीं पाते थे। इसी प्रकार चैतन्य महाप्रभु बड़े बड़े पंडित को जो है पछाड़ते थे, जिसे बड़े बड़े पंडित लोग निमाई पंडित के निकट आने में डरते थे। उस समय चैतन्य महाप्रभु की नवद्वीप में क्या क्षति हुई? पंडित निमाई, निमाई पंडित है और बहुत उद्दंड भी, उद्दंड माने किसके परवाह नहीं करते है आज। इसलिए पंडित लोग डरते थे है। कत दिने कैल प्रभु उर्वंगे ते गमान, जहां जाए तहां लवाए संकीर्तन। इस प्रकार नवद्वीप धाम को चैतन्य महाप्रभु है कृपादि भी करने लगे। नाम इसके पश्चात चैतन्य महाप्रभु पूर्व बंगाल में नाम संकीर्तन व प्रचार करने के लिए चल पड़े है, कुछ शिष्यों के साथ लेकर के चल पड़े, माने अपने जो अनुगत जन है। महाप्रभु दीक्षा मंत्र आदि नहीं देते थे, किंतु सबकी सब उनके ही गुरु मानते थे और उनके पीछे पीछे सब भक्त लोग चलते थे है। और जहाँ जहाँ पर महाप्रभु गए पूर्व बंगाल में, सभी को नाम संकीर्तन के द्वारा सबको भक्त बना दिया है। जहाँ जाए तहाँ लाए नाम संकीर्तन, विद्यार प्रभाव देखी चमत्कार चित्ते, सत सत पुड़वासी लग लपड़ी थे। और महाप्रभु इतने विद्या की भी विलास आरंभ करने लगे, महाप्रभु के पांडित्य देख करके सभी लोग उनके पास भी विद्या अध्ययन भी करने लगे। इसलिए तो सत सत्र पूर्वासी लागिल पड़ी थे। सही देशे विप्रणाम विस्मिश्र तपन, निश्चय करते नारी साध्य साधन। उस देश में विशेष ब्राह्मण मिश्र, तपन मिश्र है, रघुनाथ भट्ट गोस्वामी के पिताजी तपन मिश्र है, विचार कर नहीं पा रहे, निश्चित कर नहीं पा रहे ये कलयुग में साध्य साधन क्या है। बहु शास्त्रे बहु वाक्य चित्त भ्रम है, साध्य साधन श्रेष्ठ नाल ना है निश्चय, धर्म अर्थ काम मोक्ष। बहु लोग अनेक लोग अनेक प्रकार विचार करने लगे, कोई कहते साध्य क्या है, धर्म अर्थ काम मोक्ष, कोई कहते गृहस्थ धर्म श्रेष्ठ है, विवाह शादी करके रहो लक्ष्मी देवी लक्ष्मी नारायण प्रसन्न होंगे, कोई कहते नहीं त्याग धर्म ग्रहण करो जिससे तुम्हारे आत्मकल्याण होगी, जिससे तुम्हारे माता पिता की कुल मातृकुल पितृकुल भी उद्धार हो जाए। इसलिए शास्त्र में लिखा है, चतुर्वर्ग के बारे में लिखा है, धर्म अर्थ काम मोक्ष, उसके साधन और साध्य साधन है क्या? इसलिए साध्य साधन श्रेष्ठ ना है निश्चय। सपने विप्र कहे सुनो तपन, निमाई पंडित स्थाने करह गमन। इस प्रकार तपन मिश्र चिंतन करने लगे साध्य और साधन क्या है, और करते करते तपन मिश्र सो गए निद्रा गए। निद्र में एक ब्राह्मण आकर के कहने लगे, सुनो तपन, अभी तुम्हारे देश में माने पूर्व बंगाल में निमाई पंडित आए, वो बता देंगे। इसलिए निमाई पंडित स्थाने करह गमन, देह तुम्हार साध्य साधन करिबे निश्चय, साक्षात ईश्वर तेह नहीं कर संशय। और वो ब्राह्मण
सपने में कहने लगे, देखो उन्निमाई पंडित साक्षात ईश्वर भगवान है, इसलिए कोई संशय नहीं, कोई डाउट नहीं है, ये वो तुम्हारे सारे संशय को दूर कर देंगे। सपना देखी मिश्राशि प्रभु चरणे सपने वृत्तांत सब कहिल निवेदने, प्रभु तुष्ट होया साध्य साधन कहिल नाम संकीर्तन कर उपदेश कहिल। इसके पश्चात तपन मिश्र महाप्रभु के पास पधारे और सारी बात सुनाया, बोले मुझे आप बताइए साध्य साधन क्या है। उस समय महाप्रभु कर देखो कलिजुग में नाम संकीर्तन है, नाम संकीर्तन करो उपदेश कही लो, अर्थात कलिजुग में साध्य साधन क्या है, हरिनाम, हरिनाम ही साधन और हरिनाम ही साध्य है, आज नाम करो बस। प्रभु आज्ञा दिल तुम्हें जहा वाराणसी तहा मा संगे तुमार हवे दर्शन, आज्ञा पाया मिश्र कहिल काशीते गमन, प्रभुर अत्यंत लीला प्रभुर अनंत लीला बुझीते ना पारे, संग छड़ा होया केन पाठान काशीपुरे। महाप्रभु की लीला अनंत, क्यों महाप्रभु उनको तपन मिश्र को काशी भेज दिया, बोले काशी में जाओ है और वहीं पर मैं भी तुमको मिलूंगा। क्यों महाप्रभु तपन मिश्र के संग में क्यों नहीं रखा है, जब महाप्रभु पूर्व बंगाल में प्रचार कर रहे थे तपन मिश्र के महाप्रभु साथ में नहीं रखा, अरे जाओ काशी में जाओ और वहीं जाकर के रहो और मैं ही आपके साथ मिलूंगा। यही मत बंगे लो कहिल सवरहित, नाम दिया भक्त कोई भक्त कहिल पढ़ाया पंडित। इस प्रकार चैतन्य महाप्रभु पूर्व बंगाल में नाम संकीर्तन प्रचार आदि करने लगे, सबको प्रेम भक्त प्रेम समुद्र में डुबा दिया। यही मत बंगे प्रभु कहिल ना पीड़ा हेता नवदेव लक्ष्मी विरह दुखी होइला, प्रभुर विरह सर्प लक्ष्मी दंशील विरह सर्प विषेदार परलोक होइल, अंतरे जानिला प्रभु जाते अंतर जामी देशे आइला प्रभु सची दुख जानी। इस प्रकार चैतन्य महाप्रभु जब पूर्व बंगाल में प्रचार आदि करने लगे और यहाँ पर नवद्वीप मायापुर में उनकी पत्नी लक्ष्मी देवी उनके विरह में शरीर छोड़ दिया, अर्थात विरह रूपी सर्प सांप उनको डांस दिया, ऊपर से तो सांप डांस दिया किंतु वास्तव रूप में लक्ष्मी देवी को किसने का कैसे शरीर तक दे, चैतन्य महाप्रभु के विरह में विरह रूपी सर्प। महाप्रभु सर्वांतर जामी सबको जान लिया है, जब महाप्रभु लौट करके आ गए तो सोची माता रोने लगे, तब उनको रोना देख करके उनके जो घर में काम करने वाले हैं ईशान ठाकुर, क्या नाम है ईशान ठाकुर, ईशान ठाकुर सारे बताया ये कैसे लक्ष्मी देवी सॉरी छोड़ है। और घरे आइला प्रभु बहु लया धन जान तत्त कहिल सची दुख विमोचन। इस प्रकार चैतन्य महाप्रभु सची माँ के भी सांत्वना प्रदान करने लगे और शिष्य के लेकर के अपने अनुगत जन के लेकर के पुनः विद्या विलास आदि करने लगे। विद्या बले सबजनी उद्धत्त प्रकाश तबे विष्णु प्रिया ठाकुरानी परिणय तबे तो करिल प्रभुर दिग्विजयी जय। इस प्रकार चैतन्य महाप्रभु नवद्वीप धाम में उद्दंड आदि प्रकाश करने लगे, क्या उद्दंड महापंडित है कि पांडित्य प्रचार करना प्रकाश करने लगे, इससे देख करके सभी लोग आश्चर्य हो गए और महाप्रभु के द्वारा अनुप्राणित होकर के महाप्रभु की अनुगत
शिकार किया है। और इसके पश्चात जो है चैतन्य महाप्रभु विष्णु प्रिया की विवाह आदि की है, और दिग्विजय आदि करने लगे, सबके पराजित करने लगे। वृंदावन दास यह करिया छे वर्णन, स्फुट नहीं करे दोष गुणेर विचार, सही अंश कही तारी करी नमस्कार। जासुनी दिग्विजयी कहिल आपन अधिकार, जोत्स्नाति पवित्र प्रभु शिष्यगण संगे, बसिया छे गंगा तीरे विद्यार प्रसंगे। यहाँ पर कृष्णदास कविराज गोस्वामी बता रहे हैं कैसे, क्या नाम उसका, कश्मीर, केशव कश्मीर को कैसे पराजित किया उसके भी बता दें। केशव कश्मीर महापंडित थे, महाधुरंधर साक्षात लक्ष्मी देवी के वरपात्र थे, मैंने साक्षात लक्ष्मी लक्ष्मी देवी करें सरस्वती देवी के वरपात्र थे, विद्या के अधिष्ठात्री देवी सरस्वती उनको भी उन्होंने क्या किया, विजय प्राप्त कर लिया और अपने कंठ में बैठा लिया, जो कुछ बोलते थे बस वो सिद्ध हो जाता था। कल कहा था ना, काल ने कब कहा था, दैव बलम ही परम बलम, जितने प्रकार के बल है श्रेष्ठ बल क्या है, दैव बलम, अर्थ बल के द्वारा नहीं होता है, धन बल के द्वारा नहीं होता, धन बल अर्थ बल के द्वारा नहीं होता है, श्रेष्ठ बल क्या है, दैव बल। यदि कोई देव देवता तुम्हारे ऊपर सहायक हो जाए तो तुम सबको एकत्रित कर लो, मैंने वशीभूत कर लोगे, दैव बल, इसलिए कहते दैव बलम ही परम बलम। आसन संदर्भ में कहते कालिदास की कथा हम सुनते हैं, मूर्ख था वो, उस देश के जो है राजकुमारी जो है वो भी महापंडित थी राजकुमारी, और वो राजकुमारी बड़े बड़े पंडित को पछाड़ देते, पंडित लोग देखा थे एक स्त्री होकर काम लेके पछाड़ दे, एक सब दुख की बात है। जब वो लड़की राजकुमारी जब जुबा हो गई उनके विवाह के लिए व्यवस्था की, तो पंडित लोग विचार करने लगे ये महापंडितानी है, इसके पंडितानी को हम दिखाते हैं, इसके महामूर्खों के साथ विवाह करा दिया जाए। तो महामूर्ख कौन है कहाँ मिले। एक दिन एक पंडित जा रहे थे, देखा क्या एक लड़का जो है पेड़ के ऊपर बैठा था, और पेड़ के ऊपर बैठ करके जिस डाल पर बैठे हुए थे उस डाल को काट रहा था, उसके पता नहीं है डाल कट जाए, पेड़ के शाखा काट जाए, वो नीचे आ करके गिर जाएंगे और मर जाएंगे, ऐसे मूर्ख है, हैं? तो उसके कहना, अरे तुम ऊपर क्यों बैठे हैं, नीचे उतारो। पंडित लोग उसके नीचे उतारा और उनके कहने लगे तुम शादी करना चाहते हो, मूर्ख है उसे कौन शादी करेगी, कौन लड़की देगी, कौन लड़की उसकी शादी करेगी। इसलिए कह रहे हाँ हाँ यदि लड़की मिल जाए मैं जरूर शादी करूँगा। बोले देख एक काम कर, तुम्हारे साथ में सुंदर एक राजकुमारी के साथ शादी करा देगी। बस इस कथा को सुनते ही वो तो प्रसन्न हुए, बहुत अच्छी बात है, राजकुमारी के साथ ना, हाँ देखने में बहुत सुंदरी है, और तुम्हें माले लाभ माले माल हो जाएगा, माने धन संपत्ति में बहुत मिलेगा। अच्छा किंतु एक बात सुनो, तुम वो सभा में जिस शादी के विवाह जहाँ पर जाएंगे ना, तुम बिल्कुल मौन धारण करना, मौन समझते हो, बात मत करना, हम लोग जैसे कहेंगे ऐसे तू करना बस है। अच्छा ठीक है, राजकुमारी के विवाह के लिए व्यवस्था किया गया, जितने भी दुल्हन है, क्या बोले पुरुष के दुल्हन बोलते हैं, है दुल्हा, अच्छा आए और वो राजकुमारी सबको परास्त कर देते थे, उन्होंने कहा
शास्त्रार्थ के शास्त्र जी शास्त्र मेरे पहले साथ मेरे साथ शास्त्रार्थ करें है। जिस शास्त्र में तुम पराजित हो गया तुम मुझे शादी कर सकते हो। तो राजकुमारी तो बहुत विद्वान भी थे, बातों बात में बड़े बड़े पंडित के भी राजकुमार के भी परास्त कर देते। तो ये जो मूर्ख जो आया इसके नाम था कालिदास है। इसके पास है और पंडित लोग कहने लगे देखो आप तो शास्त्रार्थ करते हो वाक्यों के द्वारा, किंतु ये महापंडित है, महापंडित है, ये केवल इंगित के द्वारा ही शास्त्रार्थ करेंगे है? इशारा के द्वारा, इंगित माने इशारे के द्वारा शास्त्रार्थ करेंगे। तुम तो श्लोक के द्वारा करते हो है, किंतु ये इशारे के द्वारा। अरे अच्छी बात है। अरे कैसे? तो राजकुमारी पहले प्रश्न करने लगे, एक उंगली उठाया, तात्पर्य क्या है? एक ब्रह्म द्वितीय नास्ति, तुम्हारे विचार क्या है? ब्रह्म एक है दो नहीं है, एक ब्रह्म द्वितीय नास्ति, तुम्हारे विचार क्या है बताओ है? तो राजकुमारी के पीछे तरफ जो पंडित लोग बैठे थे है, और राजकुमारी के सामने कालिदास है मूर्ख जो है वो बैठा हुआ। तो पंडित लोग कह रहे देखो राजकुमारी एक उंगली उठाया ना, तुम दो उंगली उठाओ है। तो कालिदास विजय कर हाँ ये तो ठीक है। तो राजकुमारी एक उंगली उठाया और कालिदास ने कितने उंगली उठाया? दो उंगली उठाया। बोले इसके तात्पर्य क्या है? पंडित लोग कहने लगे देखो ये मौन धारण करके रखे हैं, इशारा करके सब बता देते हैं। बोले क्या बताइए? बोले ब्रह्म एक ने, ब्रह्म तो एक है किंतु ब्रह्म के एक होते हुए पर भी उनकी शक्ति भी है, अर्थात शक्ति शक्तिमान है, इसलिए दोष उठाया। ब्रह्म और ब्रह्म के साथ क्या चीज है? शक्ति है। राजकुमारी बोले बाबा ये तो बहुत महापुरंधरंधर है। पंडित लोग सारी व्याख्या करने लगे, शास्त्र में लिखा गया है शक्ति शक्तिमान उद्धर अभिद भगवान की शक्ति है, गीता भागवत पुराण आदि करके सारे पंडित लोग राजकुमारी को समझा दिया। राजकुमारी बोले बाबा मैं तो सोच केवल जानता था एक ब्रह्म है, किंतु ब्रह्म की शक्ति के बारे में तो मुझे पता ही नहीं था, और ये बालक ने ब्रह्म और ब्रह्म की शक्ति, एक शक्ति और एक शक्तिमान है, ब्रह्म और ब्रह्म की शक्ति है, जैसे कृष्ण शक्तिमान और श्रीमती राधिका शक्ति है, है। राजकुमारी बहुत प्रसन्न हुए, अच्छा घटा करके उनको शादी करा दी है, विवाह आदि हो गया। विवाह के बाद जो है जो बासर सज्जा जो होते हैं दूल्हा दुल्हन पहली बार जब मिलते हैं है। देखो राजकुमारी जो है सुंदर राजगृह में एक मच्छरदानी लगाया है, वो भी बहुत एक्सपेंसिव मच्छरदानी, और दूल्हा दुल्हन सोने लगे है। रात्रि काल में जो है मध्य रात्रि में कालिदास को क्या लग गया? पेशाब लग गया है, सोचने लगे मैं पेशाब घर में जाऊँ। तो देखा इतने मच्छरदानी, गरीब तो थे ही वो कालिदास और मूर्ख भी था, जीवन में मच्छरदानी को भी देखा ही नहीं है, मच्छरदानी कैसे है हैं? मच्छरदानी समझते कि ना मस्किटो ने। तो उसी विचार करने के बाप रे बाप ये क्या लगा दिया, ये घर के ऊपर एक घर है, मच्छरदानी घर है ना चारी तरफ ऐसे करके चौकड़े ऊपर ऊपर छात भी है। बोले इस घर तो अच्छा घर, ये घर तो मैं कभी दिखा ही नहीं, इस घर में दरवाजा कहाँ है? मच्छरदानी के दरवाजा रहता है ये जानला नहीं दरवाजा नहीं, ये कैसे घर बना दिया और इसके अंदर सोए है? राजकुमार तो सोई है तो उसको पता ही नहीं था। कालिदास विचार करने लगे इस घर के दरवाजा कहाँ है, इसे सोचने लगे तो दीवार चारों तरफ दीवार है, सोए दरवाजा ऊपर होगा से दरवाजा कहाँ है? ऊपर है, इसलिए बार बार वो कूदने लगे और कूदते कूदते राजकुमारी के
शरीर पर ऊपर उनके गिर गए। चले राजकुमार नींद टूटे, बोले क्या बात हुई? बोले तुम घर के ऊपर और एक घर लगा दी। बोले क्या बात बता रहा, ये मच्छरदानी? और अरे मच्छरदानी है, अरे एक घर के ऊपर एक घर, इसके दरवाजा कहाँ है? मैं दरवाजा ढूंढ रहा था। राजकुमारी बेचारे बोले हो सकता है इसके सारा रात जगे थे, शायद इसके ब्रेन ठीक नहीं काम नहीं कर रहे, अच्छा सो जाए थोड़ी बात सो जाए। फिर राज फिर कालिदास ने किया कि ऊपर की तरफ कूदने लगे, सोचने लगे मच्छरदानी ये है ना, ये घर है, इस घर के दरवाजा ऊपर होगा, इसलिए बार बार कूदने लगे। राजकुमारी फिर जग के बोले क्या बात है? मैं इसके दरवाजा ऊपर तरफ में खोज रहा था। बोले अरे दरवाजा कोई ऊपर का होता है, ऊपर की तरफ होता है, दरवाजा तो साइड में होता है, ऊपर क्यों खोज रहे? अच्छा चलो। इतने समय क्या कि राजा के जो है गौशाला, क्या बोले वो जहाँ पर घोड़ा सलाबा ऊँट आदि रहते हैं ना, घोड़े ऊँट हाथी आदि रहता है, क्या घुड़सार, घोड़ा रहता है घुड़सार कहते हैं, ऊँट जहाँ पर रहते क्या बोलते हैं? घुड़सार। चलो है कैमल, कैमल है ना घोड़ा। तो इतने समय कुछ ऊँट जो है चिल्लाने लगे हैं, तो कालिदास मन में विचार करने लगे, मेरे तो पंडितानी के साथ मेरे पास शादी हुई, मैं भी दो भी एक शब्द भी संस्कृत बोल देता हूँ हैं। तो राज कहने लगे बोले कौन इतने चिल्ला रहे कौन, राजकुमारी करे। तो कालिदास कहने लगे उठ रो उठ रो उठ रो उठ रो, मैंने उष्ट्र होता है संस्कृत में है, उष्ट्र है संस्कृत में उष्ट्र है, किंतु उसको संस्कृत उच्चारण नहीं हो रहा, कहते उड़ रो उड़ रो उड़ रो, अरे उड़ रो उड़ रो, अरे उड़ रो उड़ रो। राजकुमारी समझ गई ये तो मूर्ख के साथ मेरा शादी हो, कहाँ ने पंडित ने मुझे बाग जाल में फंसा करके ये मूर्ख के साथ शादी कर दिया है। तो उस समय राजकुमार ने क्या कि लात मार करके चुतर में लात मार करके निकाल दिया, बोले चलो मूर्ख है। कालिदास बहुत लज्जित हुई, स्त्री के पदाघात पा करके है, कई स्त्री यदि किसी के पति के यदि लात मार करके घर से निकाल दे उससे और संसार में अपमान क्या है, है? इसलिए कालिदास बहुत दुखित हो, मन में ये दुख हुआ, ये मुझे स्त्री मेरे पत्नी मुझे लात मार करके भगा दिया, एक ही कारण है क्या, मैं विद्याहीन होने के नाते, मैंने मूर्ख होने के नाते, शास्त्र में विद्याहीन से बिताया जन्म, जिसके विद्वान नहीं है पंडित नहीं, पंडित पांडित्य नहीं है, विद्या नहीं है, उनके जीवन व्यर्थ है, इसलिए विद्याहीन से बिताया जन्म है, विद्याहीन व्यक्ति के जीवन व्यर्थ है, बेकार है। इसलिए कालिदास मन ही मन विचार करने लगे है, मैं नदी में जा करके आत्महत्या कर लूँ, देखो घर रात्रि काल में घर छोड़ करके है नदी के तट आ गए आत्महत्या करने के लिए, और नदी के तट पर बैठे थे, देखा क्या कुछ स्त्रियाँ जो है नदी की जल पानी भरने के लिए कलश लेकर के आया, और उन्होंने देखा क्या वह स्त्रियां जो है नदी के जल भर भर करके एक पत्थर के ऊपर रखने लगे, कलश को रखने लगे हैं, फिर ऊपर उठ करके कलश के लेकर के जाते, वह देखा क्या उन्होंने दृष्टि देखा क्या, देखो मिट्टी के जो कलश कलसी जो है अच्छा पत्थर के ऊपर रखने से वो पत्थर क्या हो गया, गड्ढा हो गया है कि नहीं, अनेकों दिन तो रखते 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 पत्थर भी गड्ढा। देखो उनके मन में एक चिंता हुई, विचार करने लगे ये मिट्टी के बर्तन पत्थर पर रखने पर पत्थर भी गड्ढा हो गया, जो पत्थर मिट्टी के बर्तन को जो है चकनाचूर करते तोड़ तोड़ देते हैं, और देखो
वही बर्तन के जो है मिट्टी के जो कलश जो है कलसी जो है पत्थर पर रखने पर पत्थर भी गड्ढा हो गया। तात्पर्य यह सोचने लगे ये मैं यदि अनुशीलन करूं विद्या अभ्यास करूं क्यों नहीं होगा, अभ्यास मुझे करना पड़ेगा आया समझ, अभ्यास करना पड़ेगा। इसलिए उन्होंने किया कि देखो अभ्यास कैसे करे मूर्खता के आएगा कैसे, इसलिए उन्होंने देवी सरस्वती की आराधना की और विद्या अध्ययन करने लगे। दोनों एक साथ में नहीं चाहिए, क्या विद्या अध्ययन और दूसरी साथ देवी सरस्वती की आराधना करने लगे है समझ में, देवी सरस्वती आराधना करने और देवी सरस्वती उनके ऊपर प्रसन्न हुई और प्रसन्न होकर के उनकी गली पर सदा सर्वदा विराजमान हो गए। लंबी कथा जो है और आगे की कथा तो बहुत है, मैं यहाँ पर ही कहना चाहता हूँ ये दैव बल ही परम बलम संसक्षात सरस्वती देवी विद्या की अधिष्ठात्री देवी कालिदास के कंठ देश में बैठ गए, इसलिए कालिदास जो कुछ भी बोलते थे वो सिद्ध हो जाता था। ठीक उसी प्रकार ये केशव कश्मीर है, केशव कश्मीर इतने बड़े विद्वान थे और जिन्होंने आराधना आदि के द्वारा साक्षात विद्या के अधिष्ठात्री देवी लक्ष्मी देवी के भी वशीभूत कर, इसलिए लक्ष्मी देवी लक्ष्मी देवी बार बार सरस्वती देवी सरस्वती देवी की आराधना की और सरस्वती देवी साक्षात उनकी कंठ में रहने लगी, जो कुछ बोलते थे वो सत्य हो जाता है। तो ऐसे जो है केशव कश्मीर सरस्वती देवी के बरपुत्र है, वो सर्वत्र भारतवर्ष के सर्वत्र पंडितों के पराजय करते हुए और अपने विजय ध्वजा समझते हो पताका लेकर चलेंगे और उनके साथ ही साथ हजारों जो है लोग चलने लगे अकेला नहीं और हाथी घोड़े सब उनके पीछे पीछे चलने लगे। जहाँ जहाँ पर जाते थे बड़े बड़े पंडित के साथ चैलेंज करते थे, सबको पराजित कर देते। अभी हम उसी कथा को जो है यहाँ पर चैतन्य चैतामृत में वर्णन हो रहा है केशव कश्मीर को चैतन्य महाप्रभु कैसे पराजित किया। वह केशव कश्मीर भारतवर्ष के सर्वत्र बड़े पंडित के पराजित करते हुए नवद्वीप धाम में पधारे। जब नवद्वीप धाम में आने लगे बड़े बड़े पंडित लोग सब भयभीत हो गया सबको पता चला एक केशव कश्मीर कोई साधारण नहीं है, साक्षात सरस्वती के बरपुत्र अंडरस्टैंड बरपुत्र। इसलिए बड़े बड़े पंडित विचार करने लगे क्या करें, अभी तो हम लोग के सबके नाक कान कट जाएगा निवाई छोटो। इसे सब पंडित लोग एक सभा करने लगे, पंडितों में सभा सब पंडित लोग करने लगे एक काम करें, हम लोग सभी एक साथ में केशव पंडित के भी पराजित कर नहीं पाएंगे, किंतु देखें एक काम करें हमारे ये नवदिता में निवाई छोटा बालक जो है ये बड़ा उद्दंड है एक काम करें पहले केशव कश्मीर कहें जी ये बालक के तुम पराजित करो फिर हमारे साथ आओ, हम लोग के विश्वास है ये बालक जरूर केशव कश्मीर के पराजित कर दे। और यदि केशव यदि चैतन्य मैंने निवाज यदि पराजित नहीं कर पाए तो हम लोग सब एक ही सब पंडित एकत्रित होकर के उनके साथ शास्त्रार्थ करेंगे आसन करें। और ठीक उसी प्रकार वो केशव कश्मीर जब नवद्वीप में आकर के पंडितों के कहने लगे कि हमारे साथ शास्त्रार्थ करो, पंडित लोग कहने लगे देखो आपके तो महिमा सुना हम लोगों ने किंतु हमारे नवद्वीप धाम
धाम जो है ये साधारण नहीं है, ये छोटा बालक के तुम पराजित करने शस्त्रार्थ कर नहीं पाओगे। भले तुम्हें सारा भारतवर्ष के बड़े बड़े पंडित को पराजित कर दिया, किंतु हमारे नवदीप धाम में एक छोटा बच्चा के साथ भी तुम शस्त्रार्थ कर नहीं पाओगे। हैं, इस कथा को सुनकर केशव काश्मीर और भी गुस्सा हो गया। क्या नवदीप में एक छोटा बच्चा को भी पराजित कर नहीं पाई? बोले नहीं, बोले कौन सा बालक, आइए हमारे साथ शस्त्रार्थ करिए। सब पंडित लोग निमाई के बोले, निमाई साथ करो। है महापुरुष सर्वंतर जी, महापुरुष स्वयं भगवान है, सर्वंतर जान है। महाप्रभु भी मन मन विचार करने लगे केशव काश्मीर के विद्या की उद्दंडता आ गया, इसको भी मैं पराजित करूं, कि भगवान की इच्छा बिना तो हो सकता है। तो एक समय चैतन्य महाप्रभु गंगा के तट पर अपने शिष्य के साथ बैठे थे। बहुत सुंदर पूर्णिमा पूर्णिमा के दिन था वो, है पूर्णिमा के प्रथम चंद्रमा पूर्व दिशा में उदित है, सूर्यास्त के बाद पूर्व दिशा में चंद्रमा उदित हो रहे हैं, है लाल लाल आभा युक्त है, चारी दिशाओं को कैसे उजाला कर दिया है चंद्रमा। जब पूर्णिमा के दिन चंद्रमा जब उदित होता है पूर्व दिशा, आप लोग देखे होंगे चारी तरफ चंद्रमा की अरुण वर्ण किरण के द्वारा लाल लाल आभा हो गया। केवल वही नहीं है, चंद्रमा की सुंदर जो लालिमा जो है मानो गंगा गंगा में प्रतिफलित होकर के गंगा के जल को मानो है इतने सुंदर गुलाब रंग के द्वारा रंजित कर दिया है। और उस समय चैतन्य महाप्रभु अपने शिष्य आदि के लेकर के गंगा के तट पर बैठे थे, और केशव काश्मीर ठीक उसी समय महाप्रभु के निकट निवाई पंडित पास यहाँ पर करें सुने ज्योत्सना रात्रि प्रभु शिष्य गण संगे बसिया से गंगा तीरे विद्यार प्रसंगे हेन काले दिग्विजयी आईल तहाई आईल गंगा रे वंदन करी प्रभु रे मिलिल बसाइल प्रभु तारे आदर करिया दिग्विजयी कहे मने अवज्ञा करिया व्याकरण पढ़ाओ प्रेमाई पंडित तुमार नाम बारसते तुमार ये कहे गुणग्राम व्याकरण मध्य जानी पढ़ाओ कलाप सुनिल फाँकी दे तुम्हार शिष्यर संलाप प्रभु के व्याकरण पढ़ाई अभिमान करी शिष्य ते ना बुझे आमी बुझाई दे नारी कहाँ तुम्हें सर्वशास्त्र कवित्त प्रवीण कहाँ आमी सभी शिशु पढ़ुआ नवीन तुम्हार कवित्त किछु सुनित मन है कृपा करी कह जदि गंगार वर्णन है। केशव काश्मीर आगे दूर से पंडित लोग इशारा कर दिया, ये जो बाल जो छोटे छोटे बालक के साथ बैठे हुए हैं वही निमाई हैं। जब आ गए देखो कोई ऐसे गुणशाली व्यक्ति आ जाए उनके भी सम्मान करना चाहिए है। इसलिए चैतन्य महाप्रभु बहुत दयनीय विनय करके अपने स्थान से उठ करके हाथ जोड़ करके उनको भी सम्मान किया है। और केशव काश्मीर इतने घमंड थे क्या तुम्हारे नाम निमाई है, निमाई पंडित है? महाप्रभु बहुत दीनहीन करे, मैं तो पंडित नहीं हूँ, मेरे नाम तो निमाई है, मैं पंडित नहीं। केशव काम विष्णु हाँ मैंने सुना तुम्हारी तुम बहुत उद्दंड प्रकाश करते हो है, क्या पढ़ाते हो इधर और क्या पढ़ते हो? उस समय महाप्रभु निमाई करने लगे, मैं ही तो शिशु शास्त्र पढ़ाता हूँ केवल,
है व्याकरण है संस्कृत ग्रामर इसके शिशु शास्त्र कहा जाता है, है? किंतु मैं ये व्याकरण जो शास्त्र पढ़ाता हूँ मेरे भी समझ में नहीं आता मैं क्या पढ़ाता हूँ और हमारे शिष्य लोग भी समझ नहीं पाते, केवल बस टूटी फूटी भाषा में मैं पढ़ता हूँ और पढ़ाता हूँ ये लोग आते, मेरे से कोई शास्त्र ज्ञान नहीं। मैंने सुना नवद्वीप में बड़े बड़े शिष्य बड़े बड़े पंडित के तुम भी पछाड़ देते हो, महाप्रभु दीन हीन कर्म नहीं है, है ना? आप जैसे महापंडित सर्वशास्त्र विशारद आपके साथ मैं तो एक सामान्य एक छोटा बालक हूँ, कहाँ आप शेर है और कहाँ मैं एक छोटा चूहा हूँ। अरे नहीं मेरे साथ शास्त्रार्थ करना पड़ेगा, है मैंने महापुरुष का अत्यंत जो है नेग्लेक्ट करने लगे अवज्ञा करने लगे, इसलिए कर रहे दिग्विजय कहे करे मने दिग्विजय कहे मने अवज्ञा करिया व्याकरण पढ़ाओ पंडित तुम्हार नाम बाल शास्त्री लोगे तुम्हार कहे गुण ग्राम व्याकरण मध्य जानी पढ़ाओ कलाप सुने लुफा के तुम्हार शिष्य संलाप अर्थनाद मैंने भी सुना तुमने बहुत न्याय में जो फांकी जो है वो जानते हो, है बहुत विद्वान है मेरे साथ शास्त्रार्प करो कितने न्याय तुम जानते हो, 90 न्याय कितने जान करके आया मैं देख लेता हूँ, है कौन बोल रहे केशव काश्मीर का रहे हैं, मैंने सुना तुम भी न्याय 90 न्याय भी पढ़ जान लिया, पढ़ा तो नहीं स्कूल में कहाँ इधर उधर सुन लिया और सुन करके बड़े पंडित हो गया महापंडित होते हैं, मेरे साथ शास्त्रार्थ करो। महाप्रभु बहुत दीनहीन होकर के कहने लगे है प्रभु कहे व्याकरण पढ़ाई अभिमान करी शिष्य तो ना बुझे आमी बुझाई ते नारी। महाप्रभु दीनहीन होकर कहने लगे मैं ये केवल मतलब संस्कृत ग्रामर व्याकरण पढ़ाता हूँ है और व्याकरण में जो कुछ है वास्तव तो मेरे भी समझ में पूर्णता नहीं हो और मेरा शिष्य लोग भी पूर्ण समझ नहीं पाते है इसलिए करे शिष्य ते ना बुझे हमें बुझाई देना रे हमारे लिए भी बहुत कष्ट है दूसरे के जो शिष्य के लिए समझाने के लिए मेरा समझ में नहीं आता है और शिष्य के भी मैं पूर्ण रूप से समझाते नहीं पाता है क्यों पहले अपने तो समझे पहले दूसरे को आप समझाओगे इसलिए महाप्रभु उसी प्रकार देवनगर के कार्य है और कहाँ तुम इस सर्वशास्त्र कवित्त प्रवीण और कहाँ आप समस्त शास्त्र विसारित विसारत समस्त कवित्त के आप प्रवीण बस देखते देखते आप कविता रचना कर देते हैं आपके महिमा ने सुना कैसे बोला हाँ भाई यस वाई नॉट हाँ अहंकारी है ना है पंडित का दे और क्या है कहाँ तुम्हें शास्त्रीय कवित्त प्रवीण कहाँ हमें सब शिशु पड़ुआ नवीन तुम्हार कवित्त किचु सुनित है मन कृपा करी कर यदि गंगार वर्णन। महाप्रभु दीनहीन होकर के कहने लगे ये गंगा के तट पर हम बैठे हैं आप भी आए तो मेरा भी मन में एक इच्छा है आपकी मुखारबंद से गंगा की महिमा कुछ श्रवण करें। सुनिया ब्रह्म सुनिया ब्राह्मण गर्वे वर्णिते लागिल घटी एक शत शत गंगार वर्णिला सुनिया प्रभु प्रभु बहुत सत्कार तुम्हारा सुना पृथ्वी ते कभी नहीं यार। महाप्रभु के दैन विनाय वाक्य सुन करके वह उद्दंड पंडित केशव काश्मीर बस गंगा के ऊपर श्लोक रचना करके बोलना शुरू कर दिया अपने आप
इतने श्लोक बोलना शुरू कर दिया है। सुनिया ब्राह्मण गर्भे वर्णित लगिल घटी एक शत शत गंगा बनल घटी बन बहुत अल्प समय में है। बहुत श्लोक सरचित श्लोक वर्णन करते अपने रचना करके गंगा श्लोक वर्णन कर दे। सुनिया प्रभु रुबहु सत्कार तुम्हार समा पृथ्वी दे कभी नहीं आर। महाप्रभु कहने लगे अहो आप जे श्लोक जो बताया कितने सुंदर श्लोक है। आपकी भांति महाज्ञानी महापंडित महाकवि न हो तो न भविष्य दो। महाप्रभु उसके पहले क्या करने लगे प्रशंसा करने लगे है। आज महाप्रभु कम नहीं बिना आदमी सुनी तरु श्रेष्ठ नमान्य मान कीर्तन सदा हो। महाप्रभु उनको भी प्रशंसा करने कहा आपकी कवित्व आपकी महानता है ये अपूर्व वाह साधु साधु है। तुम्हार कवित्व कविता श्लोक बुझीते कार शक्ति तुम्हें भालो जानो अर्थ की वा सरस्वती। महाप्रभु कहने लगे आपने जो श्लोक बताया माने गंगा के ऊपर श्लोक रचना करके जो सुनाया है इस श्लोक के अर्थ दूसरे कोई समझ पाएंगे है। यदि आप कृपा करके अपने सरचित श्लोक की कुछ व्याख्या करें है तो हमें प्रसन्नता होगा है। महापुरुष के देने करके कहने लगे है तुम्हार कविता श्लोक उचित नकार शक्ति तुम्हें भालो जानो अर्थ किवा सरस्वती है। संग सरस्वती जान सकते हैं आप जानते हो आप और विद्या के अधिष्ठाती देवता सरस्वती जान सकते हैं दूसरे के नहीं जान सकते। इसलिए कृपा करके आप एक श्लोक के अर्थ व्याख्या कीजिए। सुनी सब लोके एक श्लोक के अर्थ करो यदि निज निज मुखे सुनी सब लोके पाए बड़ सुखे तबे दिग्विजयी दिग्विजयी व्याख्या श्लोक पूछिल सतस्व श्लोक एक प्रभु ताहा पढ़िल है। दिग्विजय पंडित कहने लगे केशव काश्मीर के बहुत वाई नॉट है मेरा श्लोक जो है मैंने जो श्लोक रचना की साधारण लोग क्या समझे सबके लिए ये श्लोक नहीं है हास नहीं अच्छा है। मैं तब उससे महाप्रभु ने कहा कोई एक श्लोक की आपने जो श्लोक बताया है कोई एक श्लोक आप उठा करके हमें व्याख्या की सुनाइए। तो मैं एक साथ में हजार श्लोक बोल कौन सा श्लोक सुनना चाहते हो मेरे सब श्लोक ही सुंदर सुंदर है क्यों केशव कश्मीर की गर्व है कि मैं थोड़ी श्लोक बोला कौन बोले श्लोक सरस्वती देवी और सरस्वती देवी विद्या की अधिष्ठात्री देवी उनकी भूल तो नहीं होगा है। इसलिए उन्हें कहे कौन सा श्लोक सुनना चाहते हो बताओ एक साथ में तो हजारों श्लोक बोलो एक सांस में है कौन सा श्लोक बताओ सत श्लोक एक श्लोक प्रभु तो पढ़ी लो मत्तं गंगाया सततम इदं भाति निरंतरं जदेशं विष्णुश्चरण कमलो उत्पत्ति सुभगा द्वितीय लक्ष्मी सुर नरै च अर्चना भवानी भर्तुरी शिरसा विभव अद्भुत गुणाः। केशव काश्मीर बोले मैंने जो श्लोक बोला कौन से श्लोक के अर्थ तुम सुनना चाहते हो तो महाप्रभु उनकी जो श्लोक है जो श्लोक उन्होंने बताया महत्तम गंगाया उसी श्लोक के महाप्रभु कहने लगे इस श्लोक के महत्ता सुनाइए। श्लोक के अर्थ प्रभु करी यदि कहिल विस्मित दिग्विजयी पूछते लागिल झंझावात प्राय आम श्लोक पढ़िल तार मध्य श्लोक तुम्हें कहीजे कंठे कहिल। दिग्विजय पंडित आश्चर्य हो अरे मैं तो हवा के भांति सन 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 करके हजारों श्लोक बोल दे जो पंडित होते हैं ना है वाह उनके केवल जीहा मात्र केवल मात्र हिलता रहता है और हजारों श्लोक तो बोलते जाते हैं किंतु महाप्रभु उसी एक श्लोक से महत्व गंगा के महत्व एक श्लोक महाप्रभु कहने लगे ये श्लोक के अर्थ आप कीजिए जो श्लोक आप दीजिए
दिव्य पंडित आश्चर्य हो, मैं तो तूफान के भांति एक्सप्रेस गाड़ी तूफान के भांति मैंने हजारों श्लोक बोल दिए। और ये श्लोक के आप ये श्लोक आप कैसे याद कैसे कर रहे यही कर रहे। विस्मित हो लिखवाई प्रभु ने पूछ लो झंझावाद मत प्राय अमी श्लोक पढ़ी लो तार मध्य श्लोके तुम्हें कोई चीज कंठ कर लो। ये श्लोक आप कैसे याद कर रहे श्लोक कितने कितने होते ना श्लोक चार लाइन के होता है श्लोक जहाँ पर स्तुति आदि होता है महत्व होता है ना जैसे गंगा अष्टकम जमुना अष्टकम ये समस्त अधिक रूप में चार लाइन के श्लोक होता है क्योंकि दो लाइन होता है क्योंकि अधिकतर चार लाइन के श्लोक होता है इसलिए कहने लगे मैं तो इच्छा हवा के भांति मैंने श्लोक बोल दिया आप उसमें एक श्लोक कैसे याद कैसे कर लिए इसलिए कह रहे जब चैतन्य महाप्रभु मत गंगा उस श्लोक के कारण लगे श्लोक जो आप बोला इसी श्लोक के आप अर्थ कीजिए अर्थात इस श्लोक के अर्थ के साथ दोष गुण आप विचार कीजिए तार मध्य श्लोक तुम ये कंठ प्रभु गए देवे प्रभु गए देवेर परे तुम्हें कवि बर ओछ देवेर परे के हय श्रुतिधर महाप्रभु सारा इंगित देने लगे देखो सरस्वती के कृपा से आपने इतने श्लोक बोल दिया और हो सकता है कोई व्यक्ति भी तो देवता के कृपा से श्रुतिधर भी हो सकता है श्रुतिधर माने एक बार श्रवण करके जो स्मरण रखते हैं उसे कहा जाता है क्या श्रुतिधर समझे एक बार सुन करके जो हृदय में धारण करते हैं रखते हैं याद कर लेते हैं उसको श्रुतिधर कहते हैं इसलिए महाप्रभु कहने लगे आप देवी के वर से हजारों श्लोक बोल दिया ये भी मुझे पता है और कोई देवी के वर से भी एक श्लोक याद कर सकते उसे विस्मय क्या है श्लोक अर्थ कह लो विप्र पाई संतोष प्रभु कहे कह श्लोके रिकीवा गुण दोष महत्तम गंगा इस श्लोक के जो है वो पंडित अर्थ करने लगे महापुरुष सुनकर के बहुत प्रसन्न हुए अच्छी बात है आपके स्वरचित अपने रचित गंगा के महात्मा श्लोक आपने जो बोला बहुत सुंदर है महापुरुष प्रसन्न हुए और प्रसन्न होकर के महापुरुष पुनः कहने लगे प्रभु कहे कह श्लोक कीवा गुण दोष इस श्लोक ने जो आत्महत्या गंगा के श्लोक जो बताया इस श्लोक की दोष और गुण हमें सुनाइए पंडित जी बोले दोष गुण हमारे श्लोक में दोष तो है ही नहीं केवल गुण गुण ही है आज इसलिए श्लोक नहीं दूसरे प्रकाश विप्र कहे श्लोक नहीं दूसरे प्रकाश उपमा अलंकार गुण किंतु अनुप्रास प्रभु कहे तुम्हें यदि ना करो रोष तबे तुम्हारे श्लोक किबा आछे दोष महाप्रभु दैन करके कहने लगे ये आपने श्लोक बताया बहुत सुंदर श्लोक है यदि हमारे ऊपर आप रुष्ट नहीं हो मन क्रोधित न हो तो मैं एक थोड़ा ये बात कह दूँ पंडित बताओ क्या बोलना चाहते हो ये आपके श्लोक के दोष गुण के बारे में हमको श्रवण कराइए पंडित जी बोले केशव मेरे श्लोक में दोष मेरे श्लोक में दोष नहीं सभी गुण गुण ही है प्रतिभार वाक्य तुम्हार देवता संतोषे भालो मध्य विचार लीजिए जानी को सुन से भालो करी श्लोक करो विचार कभी कहे जे कहले सही वेद सार वैयाकरण जो तुम्हें नहीं पढ़ो अलंकार तुम्हें कि बात जानवे कवित्वेर सार केशव कश्मीर उद्दंड प्रकाश करके कहने लगे है तुम तो वेदांत नहीं पढ़ा सब व्याकरण तुम ही पढ़ो तुम व्याकरण पढ़ते हो तुम वो भी शिशु शास्त्र व्याकरण है व्याकरण में सिखाया जाता है बद्ध दादी दिवादी साधुरी वचन
गणियों धातु होता है, भद दादी ज्योतादि दिवादि सदरी वच रुधादिश्च तुधादिश्च तनक्रादि चुरादय। ये समस्त जो है धातु होते, कौन कौन धातु भाददादि भादिगणी धातु, जुहत्तादि दिवादिगणी धातु है, पता है ना, व्याकरण में होता है सर, कौन धातु से आए है। जैसे है क्रि धातु से करोती होता है, करोति करोतु कर्वन्ति, करोसि करोसि कर्तु कर्तुमि कर्मं तूतावन्ति तेतस्त्वं भोगं, ये समस्त व्याकरण में पढ़ाया जाता है। इसलिए कहते व्याकरण पढ़ाते एक केवल तो क्या शिशु शास्त्र कहा जाता है। छोटे छोटे बच्चा को जैसे है और लिख करके बोलता है कि अजगर अय अजगर आश्चर्य तेरे, आ लिखते आई एम टी खाओ पेड़े, और माने अजगर है, आम मीन्स आम है, इस पर हम लोग छोड़े थे ना पढ़ते, वाई अजगर राष्ट्र तिड़ी आई एम टी खाबो पेड़ी है। तो ये समस्त ये शिशु शास्त्र छोटे छोटे बालक के पढ़ाया जाता है। इसलिए केशव काश्मीर बहुत विद्वान पंडित है, इसलिए तुम्हारे साथ क्या शास्त्र शास्त्र लाभ क्या करेगा, तुम तो व्याकरण पढ़ाते हो वो भी तुम्हें जानते हो, शिशु शास्त्र व्याकरण तुम पढ़ाते हो है। और हमारे सुंदर जो श्लोक जो है गंगा के मातम गंगा, इस श्लोक तो ना जी कितने रस भरा हुआ है, रसास्त्र तुम पढ़े ही नहीं क्या तुम समझोगे है। इसलिए महाप्रभु के वो केशव काश्मीर कहने तुम्हें की जानवे पवित्र सा प्रभु बहन औते पूछित तुम्हारे विचरिया गोंदोस बुझाओ हमारे, आपने जो श्लोक रचना की महत्व है इस एक एक ही श्लोक के जो गुण दोष मुझे समझाइए है। केशव काश्मीर बहुत गुस्सा हो गया है। तब उस समय चैतन्य महाप्रभु दीन हीन के कहने लगे, नहीं पढ़ी अलंकार करिया छी श्रवण, ताते ही श्लोक देखी बहु दोष गुण बहु दोष गुण। महाप्रभु दीन हीन के कहने लगे, मैंने तो शास्त्र को जानते नहीं किंतु मैंने कुछ सुना श्रवण किया है, अलंकार शास्त्र तो मैं पढ़ा ही नहीं था, शिव शास्त्र पढ़ रहा हूँ, इसलिए अलंकार शास्त्र मैं ही पढ़ा बात नहीं सकता है, किंतु अलंकार के सामान कुछ मैंने श्रवण किया अलंकार शास्त्र ना ही पढ़ी अलंकार पढ़िया श्रवण ताते इसको के देखी बहु दोष गुण। महाप्रभु कन्हैया कहा, ये आपने जो श्लोक बोला इस श्लोक में कुछ दोष भी है कुछ गुण भी है, बात इतने सुनते के जब बात में और भी गुण, मेरे श्लोक में कोई दोष नहीं हो सकते गुण ही गुण है। कभी कहे एक और देखे कौन कौन गुण दोष रूप में यदि सुनो ना करियो रोज, महाप्रभु दीन हीनों कहने लगे मेरे श्लोक में कोई दोष नहीं हो सकते गुण ही गुण। महाप्रभु कह रहे यदि आप हमारे पास रुष्ट नहीं हो प्रसन्न हो तो मैं आपके श्लोक वही श्लोक मैंने महत्तम बताया इस श्लोक पर दोष गुण आपके पर व्यक्त करता हूँ।